हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 50 प्रो फ़ोन है, तो मोटो एज 50 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में गेम टर्बो ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन को गेम्स वगैरह को बूस्ट कैसे कर सकते हैं गेम टर्बो के ज़रिए। तो आज हम बताने वाले हैं कि गेम टर्बो का यूज़ कैसे कर सकते हैं और गेम्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं मोटो एज 50 प्रो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही फिर आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे बात चले जाना है। जैसे ऑप्शन दिख रहा है गेम बूस्टर्स, तो गेम बूस्टर्स पे चले जाना है और गेम्स को बूस्ट कर देना है। जब आप गेम्स को बूस्ट करना चाहते हैं गेम्स को बूस्ट कर सकते हैं, आप गेम्स को इस तरीके से प्ले कर सकते हैं और गेम्स बूस्टर्स को ऑन करके कोई भी गेम्स आप प्ले कर सकते हैं गेम बूस्टर्स में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे हमने गेम्स प्ले करना है तो प्ले कर सकते हैं। जब आप गेम्स प्ले करते हैं तो गेम्स वगैरह भी आपके फ़ोन में बूस्ट हो जाएगी और मल्टी टर्ब में बूस्ट होते ही आप गेम को स्मूथली प्ले कर सकते हैं और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। एंड आप बैक करते हैं तो बैक करते ही आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी गेम्स को बूस्ट कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं हमने मोटो एज 50 प्रो फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में देखते हैं कोई भी गेम्स आप प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें गेम्स को ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। सिंपली आपके इसमें प्लस का ऑप्शन आता है जहाँ से गेम्स को ऐड कर सकते हैं, ऐप्स भी ऐड कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोस को शेयर करें।